हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आज हम एमपी ज्योग्राफी से मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना के बारे में जानेंगे। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया रहा कि मध्य प्रदेश को 7 भागों में बांटा गया है। मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना पठार, बघेलखंड का पठार, मालवा का पठार, नर्मदा का पठार और आखिरी सतपुड़ा का पठार। हमने पिछली वीडियो में जाना था मध्य भारत के पठार के बारे में, और आज हम बुंदेलखंड का पठार और रीवा पन्ना का पठार कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। तो हम जानते हैं बुंदेलखंड के पठार के बारे में। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि इसे खजुराहो उपशैली भी कहा जाता है, खजुराहो उपशैली भी कहा जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं, इसके उत्तर में यमुना का मैदान, दक्षिण में विंध्याचल, पूर्व में बुंदेलखंड और पश्चिम में मालवा है। तो अब जलवायु के बारे में जानते हैं। यहाँ पे वर्षा 75 सेंटीमीटर से 103 सेंटीमीटर तक होती है। और मिट्टी की बात करें तो इस यहाँ पर लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, आमतौर पर लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। और चट्टान हमें मिलती है यहाँ पर, ग्रेनाइट और नीस की प्राप्ति होती है यहाँ से। सर्वोच्च चोटी की बात करें तो सिद्ध बाबा, यहाँ की जो सर्वोच्च चोटी है वो सिद्ध बाबा है, जो कि 1172 मीटर की ऊंचाई पे है। नदी की बात करें तो यहाँ पे सिंध, केन, बेतवा और आदि नदी यहाँ पे पाई जाती हैं। जिले की बात करें तो यहाँ टीकमगढ़, छतरपुर, दातिया, सागर, नेवाड़ बुंदेलखंड पठार के अंतर्गत आते हैं। और जो बाकी हैं, भिंड, जैसे भिंड का लाहार तहसील, ग्वालियर का डाबरा तहसील, शिवपुरी का करेरा तहसील और सागर का बांडा तहसील इसके अंतर्गत आते हैं। क्षेत्रफल की बात करें तो 23,733 वर्ग किलोमीटर, मतलब 7.79% क्षेत्रफल कवर करता है मध्य प्रदेश का। कृषि की बात करें तो यहाँ पे ज़्यादातर ज्वार, बाजरा, मक्का, मतलब मोटे अनाज की खेती होती है और अन्न। तो फ्रेंड्स, ये था बुंदेलखंड के पठार के बारे में। अब देखते हैं रीवा पन्ना पठार को। तो इसे विंध्ययम कागरी भी कहा जाता है। क्षेत्रफल की बात करें तो 31,954 वर्ग किलोमीटर, मतलब 10.36% कवर करता है मध्य प्रदेश का। जलवायु वर्षा की बात करें तो यहाँ पे 100 से 135 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। कृषि की बात करें तो यहाँ पे दलहन और तिलहन की खेती होती है। वन की बात करें तो यहाँ पे सागौन और शीशम की जो लकड़ी होती है वो पाए जाते हैं, पेड़ पाए जाते हैं। जिले की बात करें तो यहाँ पे जो ज़िले हैं, रीवा, सतना, पन्ना, दमोह और कटनी का मडवारा तहसील इसके अंतर्गत आता है। खनिज की बात करें तो पन्ना में जो पन्ना ज़िला है, वहाँ पे हीरा और चूना, गेरू आदि की खनिज रीवा पन्ना पठार में होती है। नदी की बात करें तो टेंस नदी, बेहड़ नदी, भांडेर नदी और अन्य नदी यहाँ पे हैं।